शहर में चल रही ओला और उबर की सेवाओं के विरोध में ऑटो रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने मंच लगाकर सड़क को घेर कर चक्का जाम भी कर दिया, जिससे वहां ट्रैफिक जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क से ऑटो चालकों को हटाकर ट्रैफिक प्रारंभ करवाया। ऑटो चालक ने कलेक्टर कार्यालय के सामने मंच लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे वहां ट्रैफिक जाम हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो चालकों को हटाकर ट्रैफिक प्रारंभ करवाया। इसके बाद ऑटो चालक नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे। इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध रूप से बाइक टैक्सी का संचालन किया जा रहा है। ओला और उबर ने यहाँ दो पहिया वाहनों को अटैच कर रखा है, लेकिन इसकी जानकारी परिवहन विभाग व पुलिस को नहीं दी गयी। महासंघ ने मांग की है कि अवैध कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं और किस प्रकार का पूरा प्रदर्शन रहने वाला है? देखिए, मीडिया गवाह है, पिछले एक साल से हम ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बाइक टैक्सी हो, ओला, जुगनू, जितने भी लोग हैं ये अवैध रूप से चल रहे हैं। प्रशासन बंद क्यों नहीं करा रहा है? आरटीओ ने कई बार गाड़ियाँ पकड़ी, औपचारिकता पूरी करी, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियाँ पकड़ी, औपचारिकता पूरी करी, पर हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है गजट नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद बाइक टैक्सियाँ बंद क्यों होंगी। दूसरा प्रश्न हमारा है कि AICTL अवैध रूप से मैंगो टैक्सी चला रहा है, जहाँ 17 रुपये हमारा भाड़ा हुआ 35 रुपये चला रहा है। प्रशासन खुद गलत कर रहा है और इसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसके विरोध में हम आज आए मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन देने, और हम मांग करते हैं कि परिवहन अधिकारी को तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। AICTL स्कूल बस भी प्रारंभ करने जा रहा है, उसे हम तो जोरदार विरोध करेंगे। AICTL अगर बस चालू करता है, स्कूली बस चालू करता है, तो हम लोग जबरदस्त विरोध करेंगे, क्योंकि 4,500 हमारे स्कूली ऑटो बेरोजगार हो जाएंगे। आपके रिक्शा के अंदर 3 सवारी का एक नियम बना हुआ है, लेकिन आपके ही रिक्शों में 5-5, 6-6 बच्चे भर के चलाए जाते हैं, अलग से पटिया लगा के चलाए जाते हैं, उसका भी प्रशासन ने आप लोगों को बोला था, लेकिन उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। क्या पुलिस हो रही है, यातायात पुलिस क्या कर रही है? अगर यातायात हम गलत है, तो यातायात पुलिस बाकायदा चालान बनाए, चालान क्यों नहीं बनाते वो? भाई, आपके पास तो कानून है ना, अगर कोई गलत है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमने एक चीज़ और रखी है कि हमारे लोग वर्दी से चलेंगे और मीटर से चलेंगे, और जो वर्दी और मीटर से नहीं चलता है तो उसके खिलाफ जहां 500 का पनिशमेंट होता है, 1,000 का करें। आपका नाम बताएं। राजेश भिड़कर, इंदौर ऑटो रिक्शा चालक संघ का संस्थापक।